भारत की लोकसभा में 543 सीटें हैं और केंद्र में सरकार बनाने के लिए आधे से एक ज़्यादा यानी 272 सीटों की ज़रूरत होती है। बीजेपी ने पिछले अपने दो चुनावों में स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाई है। 2014 में बीजेपी को 282 सीटें मिली थी तो 2019 में 303। इस बार 2024 के चुनाव में पीएम मोदी ने बीजेपी के लिए 370 सीटों का टारगेट रखा है। आखिर 370 ही क्यों? इसलिए आज हम समझेंगे कि आखिर इन 370 सीटों का क्या मैसेज हो सकता है और बीजेपी के लिए ये 370 सीटें क्यों अहम हो सकती हैं। लोकसभा में 370 सीटों का टारगेट रखने के पीछे ये मेजर स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। सिंबोलिज्म, आर्टिकल 370 हटाने को बार बार याद दिलाना। बीजेपी ने अपने कार्यकाल में कई ऐतिहासिक फैसले किए जिनमें आर्टिकल 370 हटाना प्रमुख था। बीजेपी कई बार से अपने मैनिफेस्टो में इसे हटाने का वादा करती रही है। 2019 में आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A निरस्त कर जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर दिया। इसे याद दिलाने के लिए पीएम मोदी ने सोच समझकर ये टारगेट रखा है। दूसरा, साइकोलॉजी। पीएम मोदी ने 370 सीटों की बात उछालकर वोटर और पार्टी कैडर को ये संदेश दिया है कि 2024 का चुनाव तो बीजेपी ही जीत रही है। 370 की बात करके मोदी ने विपक्षी दलों पर साइकोलॉजिकल दबाव बनाया है। तीसरा, देश में बड़े बदलावों के लिए बड़ी तैयारी। बीजेपी ने 370 सीटों का टारगेट इसलिए रखा है ताकि बड़े बदलाव करने में किसी और की जरूरत ना पड़े। मोदी की कार्यशैली बताती है कि वो चाहे तो बड़े संविधान संशोधन भी कर सकते हैं। इन दो बयानों से इनकी झलक भी मिल गई। 5 फरवरी 2024 को लोकसभा में पीएम मोदी ने कहा कि हमारा तीसरा कार्यकाल अगले 1000 सालों के लिए मजबूत नींव रखने का काम करेगा। 10 मार्च 2024 को बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनंत हेगड़े ने कहा कि संविधान संशोधन करने और कांग्रेस द्वारा इसमें की गई विकृतियां हटाने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए, साथ ही 20 से ज़्यादा राज्यों में सत्ता में आना होगा। अगर बीजेपी को 370 सीटें मिल जाती हैं तो बीजेपी ये 5 बड़े बदलाव कर सकती है। पहला, 2029 में लोकसभा और राज्यों के सभी चुनाव एक साथ। पूरे देश में लोकसभा चुनाव के साथ ही राज्य विधानसभा चुनाव कराने को लेकर मोदी सरकार गंभीर है। इसके लिए 1 सितंबर 2023 को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई जिसके सदस्य गृह मंत्री अमित शाह भी हैं। इस कमेटी का नाम एक देश एक चुनाव के लोकतांत्रिक दाव पेच समझना और उनका उपाय खोजना है। दूसरा, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन। 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया। इसके बाद 29 सितंबर 2023 को नए संसद भवन में संविधान की प्रति लाई गई और सांसदों को इसकी एक प्रति भी दी गई। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया कि इन प्रतियों से सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द हटा दिए गए। 1949 में संविधान की मूल प्रस्तावना में सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द नहीं थे। बाद में 1976 में 42वें संशोधन से प्रस्तावना में सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द जोड़े गए। सुप्रीम कोर्ट पहले मान चुका है कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का ही हिस्सा है, इसमें बदलाव करने के लिए संविधान संशोधन की ज़रूरत पड़ेगी। संविधान में बेसिक ढांचे के बारे में कोई प्रावधान नहीं है। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के अनेक फैसले हैं। 1951 में शंकर प्रसाद, 1965 में सज्जन सिंह और 1976 में गोलकनाथ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसले दिए। उसके बाद 1973 में केशवानंद भारती का ऐतिहासिक फैसला हुआ जिसमें 13 जजों की संविधान पीठ का गठन हुआ था। इन फैसलों के अनुसार कुछ विषयों को संविधान का बेसिक ढांचा माना जा सकता है जिन्हें बहुमत वाली सरकार आर्टिकल 368 के तहत संविधान में बदल नहीं सकती। तीसरा, केंद्र और राज्य की शक्तियों में नया बंटवारा। भारत के संविधान में संघ और राज्यों की शक्तियों का अलग अलग बंटवारा किया गया है जिससे दोनों के बीच टकराव की स्थिति ना बने। संघ सूची में रक्षा, विदेशी संबंध, परमाणु ऊर्जा, सीमा शुल्क जैसे विषय आते हैं। राज्य सूची में पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, शिक्षा जैसे 61 विषय आते हैं। समवर्ती सूची में दंडविधि, विवाह, जनसंख्या नियंत्रण जैसे 52 विषय आते हैं। प्रत्येक सरकार अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होती है, वह एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। हाल के दिनों में राज्यों में विपक्षी सरकारों पर केंद्र सरकार का आक्रामक रवैया संकेत देता है कि सरकार संशोधन करके केंद्र और राज्य की शक्तियों को नए सिरे से बांट सकती है। चौथा, राज्यपाल की शक्तियों में बढ़ोतरी। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख भले होता है लेकिन उनकी शक्तियां सीमित हैं। सरकार संविधान संशोधन के जरिए राज्यपाल की शक्तियों में बढ़ोतरी कर सकती है। इससे केंद्र सरकार और राज्यपाल राज्य सरकार के कामों में खुलकर हस्तक्षेप कर सकेंगे।
और पांचवा बदलाव हो सकता है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की पहल। 1925 में सावरकर ने हिंदुत्व का वैचारिक फ्रेमवर्क दिया। उनका तर्क था कि भारत हिंदुओं की पुण्य भूमि है, मुसलमानों और ईसाइयों की पुण्य भूमि भारत नहीं है। पिछले 100 सालों में इस विचार ने काफ़ी समर्थन हासिल किया। 2024 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हिंदू राष्ट्र की मांग तेज हुई। पीएम मोदी पिछले कुछ सालों से खुद को लगातार मंदिरों के निर्माण और जीर्णोद्धार से जोड़ रहे हैं। उनके व्यक्तित्व से एक हिंदुत्ववादी प्रधानमंत्री की झलक मिलती है। तमाम शहरों और सड़कों के इस्लामिक नाम बदलकर हिंदू संस्कृति से जुड़े नाम दिए गए। डीएम के सांसद किनिमोजी ने कहा था कि CAA NRC जैसे कानून हिंदू राष्ट्र के निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम है। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संविधान के खंड 3 में मौलिक अधिकारों और बराबरी के अधिकारों के प्रावधानों में बदलाव करना होगा। संविधान के अनुसार भारत में जाति, धर्म, लिंग और क्षेत्र के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता। इसलिए एक धर्म को विशेष दर्जा दिए जाने के लिए संविधान में कोई भी संशोधन बेसिक ढांचे के खिलाफ माना जाएगा। बीजेपी संविधान में क्या बदलाव करती है और देश भविष्य में किस दिशा में मुड़ेगा, ये तो हमें आगे जाकर ही पता चलेगा। पर आप हमें बताइए कि आखिर क्या बीजेपी 370 सीट जीत सकती है, और अगर जीत भी जाती है तो देश में आप क्या बड़े बड़े बदलाव देखना चाहते हैं, हमें कॉमेंट्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।